आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं क्या 20 मार्च को ही होंगी, आपके विद्यालय कब खुलेंगे, क्या बोर्ड परीक्षाएं इस साल भी रद्द कर दी जाएंगी, तमाम प्रश्नों की जानकारी जो कि इस समय आप हर विद्यार्थी जानना चाहता है। फिर जानना भी क्यों ना चाहे, क्योंकि आप पूरी तरह से इस समय तन्मयता के साथ अपनी तैयारी करते हैं और बार बार अगर आपके टाइम टेबल चेंज किए जाते हैं या फिर परीक्षाओं के विषय में यह सुनने में आए कि अप्रैल मई में परीक्षाएं होंगी, फिर कभी अगर यह सुनने में आए कि मार्च में ही अपने निर्धारित समय से परीक्षा होगी, या फिर यह सुनने में आ जाए कि नहीं मार्च में 20 मार्च को ही परीक्षाएं होंगी, तो अक्सर हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें एक निरस्तता वाले भाव आ जाते हैं। आखिर आए भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ तो जो छात्र है वो पूरी तन्मयता के साथ अपनी परीक्षाएं की तैयारी कर रहा है और इस बीच में ऐसी तमाम खबरें जो कि बहुत ज्यादा फेक भी होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें विचलित करती हैं। क्या इस समय विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आ रहा है, क्या हम पूरी तरह से अगर परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो क्या इस साल भी बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है, क्या बोर्ड परीक्षाएं रद्द होंगी या फिर होंगी ही, इस सारे प्रश्नों के जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे भ्रमित करने वाले जो YouTube चैनल हैं वह आपको विभिन्न प्रकार के फेक न्यूज देते हैं जिससे कि उनके व्यू आए और उन्हें एक अच्छा खासा पैसा मिल सके। तो ऐसे में देखिए हमारी कोशिश यह रहती है कि हम आपको जो भी चीजें बताएं वो प्रमाणित चीजें बताएं और भले ही लेट बताएं, परंतु आपकी जो भी हम जानकारी आपके लिए साझा करें वो सही हो, कहीं से फेक ना हो। हमारी ये पूरी कोशिश रहती है और हमारे चैनल की भी पूरी कोशिश रहती है। देखिए पहले तो पहला प्रश्न जो आपके मन में इस समय है कि विद्यालय कब तक खुलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो विद्यालय है वो 23 जनवरी को खुलेंगे, पर आदेश उसके लिए भी जारी किया जाएगा। अगर कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तो सरकार हो सकता है कि आगे भी आपकी छुट्टियां बढ़ा दे, परंतु ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 9 to 12th के साथ साथ 6 to 8 की भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जैसा कि पहले भी चल रहा था। अब देखिए 23 जनवरी तक जो छुट्टी है वो ठंड को देखते हुए बढ़ाई गई है और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के लिए बढ़ाई गई है, परंतु इससे पहले आपने देखा कि जो 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आपकी छुट्टी थी वो ओमिक्रॉन की वजह से नहीं थी, वह ठंड की छुट्टी थी जो कि 6 to 8 के लिए तो निर्धारित कर दी गई, परंतु सीएम ऑर्डर के अनुसार यह कहा गया कि हर जिले के जो डीएम है वह ठंड को देखते हुए 9 to 12 की छुट्टी निर्धारित करेंगे। पर इसी बीच ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से फैलने लगा, तब जाकर के सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया कि आपकी जो ठंड की छुट्टी पहले से निर्धारित थी वो 9 to 12 को भी दे दी गई। अब जब 16 जनवरी तक आपका विद्यालय बंद रहा, 15 को मकर संक्रांति थी, 16 को आपका जैसा कि आज रविवार है, तो आज के दिन फिर एक नोटिस आई कि 23 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेंगे। 23 जनवरी तक किन किन क्लास के विद्यालय बंद रहेंगे, तो नर्सरी टू 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद कर दिए गए। अब अगले आदेश तक विद्यालय नहीं खुल सकता है, परंतु इस बीच में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। अब देखिए कहीं कहीं ये न्यूज सुनने में आ रहा है कि 20 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी। अब देखिए संभावनाएं बहुत कम है कि 20 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षाएं हो, परंतु कहीं भी अगर नोटिस निकाली जा रही है तो आपकी जो परीक्षा आपके मन में ये आ रही है कि क्या परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, तो शायद आपकी परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि जहां भी हमने नोटिस पढ़ी है हम आपका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, डिस्प्ले करेगा आपके बगल में वीडियो में ही। देखिए हर जगह पे जो भी परीक्षाएं हो उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी स्थगित किया जा रहा है, उसकी जो तारीखें हैं वो क्या की जा रही है, आगे बढ़ा दी जा रही है, पर रद्द करने वाला न्यूज कहीं भी नहीं आया है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा जो है वह होगी। आप इसलिए ये चीज को जानिए क्योंकि WHO ने कहा कि यह जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये इससे लोगों की मतलब लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सर्दी जुकाम होगा, बुखार आ सकता है, आप नजदीकी सेवा केंद्र पर जाएं और तुरंत जांच कराएं। साथ ही आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और सरकार की ये पहल है कि 9 to 12 के जो भी विद्यार्थी हैं वो उनकी उम्र अगर 14 से लेकर 18 वर्ष के बीच में है तो वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं, और हर विद्यालय में कैंप बनाए जा रहे हैं जो कि आपका
प्रारंभ कर दिया गया है और काफी अच्छी संख्या में छात्रों ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है। हर एक जो बच्चा है, छात्र है, वो जाकर अपने ही विद्यालय में जो कैंप के लिए एक तारीख निर्धारित की जा रही है, उस दिन जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। साथ ही आप सभी अपने आस पड़ोस में रहने वाले, अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन अब तक नहीं करवाया है, तो उन्हें भी प्रेरित कीजिए। जो भी वैक्सीनेशन करवा ले रहा है, उसके लिए इसका जो प्रभाव है ओमिक्रॉन का, वो बहुत ज्यादा उसे प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा WHO ने भी कहा है। तो ऐसी ये चीजें मानी जा रही हैं कि इससे जो संक्रमित लोग हैं उनकी ठीक होने की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसा कि आप आंकड़े रोज के रोज देख रहे होंगे। तो ऐसे में जो भी आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, उसे पूरी तरह से जारी रखिए, क्योंकि बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा होगी ही होगी 20 मार्च, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है। अगर ऑफिशियली ये बात बताई जाएगी तो हम अविलंब आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देंगे, परंतु अब तक जो भी 20 मार्च आपकी बोर्ड परीक्षा की तारीखें बता रहे हैं, उस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियली नहीं बताया गया है। जैसे ही इसकी पुष्टि होती है कि 20 मार्च को ही आपका बोर्ड परीक्षा होगा, तब हम अविलंब आपको इसकी जानकारी अपने चैनल पर, जैसा कि हमने बताया कि वीडियो बनाकर, हम दे देंगे। परंतु अभी तक 23 जनवरी तक आपके विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद अगले आदेश पर ही आपका विद्यालय खुलेगा। हो सकता है कि अगले आदेश तक और भी आपकी छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी तन्मयता के साथ और बेहतर से बेहतर तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ करते रहिए, ताकि आपका बेहतर अंक प्राप्त हो सके आपकी बोर्ड परीक्षा में, चाहे बोर्ड परीक्षा 20 मार्च को हो, चाहे 22 मार्च को हो, चाहे फिर अप्रैल मई में हो, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि मार्च में ही आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी।